हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, बारिश के बाद का मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ। आज जो है बारिश थोड़ी रुकी है, तो मैं आपको अपने अपने जो मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं उनका व्यू देने जा रहा हूँ। उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है प्लांट्स में। सबसे पहले तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं गार्डनिंग की प्लांट्स के रिगार्डिंग नई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ जो सेमी शेड प्लांट है, इनडोर प्लांट है, बारिश के कारण उनकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि ये प्लांट है जो है बारिश में ही अच्छे होते हैं। एरिका पाम देख सकते हो कितना ग्रीन हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, नए नए जो इसमें से शूट्स है वो निकल रही है। तो आप अगर एरिका पाम आपने अपने गार्डन में लगाना है या लगाने का प्लान कर रहे हो, तो सही टाइम में आप लगा सकते हो इस टाइम में। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हो, 2-3 साल हो गए आपको इस प्लांट को गमले में लगाए हुए, तो इस टाइम आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हो, ये भी एरिका पाम है, ये भी एरिका पाम है, देख सकते हो नए नए जो निकल रहे हैं इसमें से शूट्स। धीरे धीरे इसका पत्ता बड़ा इस तरह से खुल जाएगा और एक अच्छा सुंदर बन जाएगा। दोस्तों, इधर मेरा जो क्रोटोन है वो लगा हुआ है, इसका भी देख सकते हो करसूला लगा हुआ है जो ओरिजिनल जेड प्लांट होता है। और मैं आपको नियोन पोथोस का बताऊं तो मनी प्लांट देख सकते हो मेरे कितने बुशी हो रहे हैं, कितने अच्छे चल रहे हैं। आप अपने प्लांट्स को ऐसे घुमा दीजिए करे जिस तरफ लाइट आती है, अगर आपने इसे शेड में लगाया है, नहीं तो ये एक साइड को चलने लग जाते हैं। और ये देखो नियोन पोथोस कितना अच्छा इसकी ग्रोथ चल रही है। फिलोडेंड्रम की देख सकते हो आप कैसे अच्छी ग्रोथ है, पत्ता कितना बड़ा निकल रहा है। दोस्तों, इस टाइम में होता क्या है, हवा में मॉइस्चर होता है तो जो आपके प्लांट होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। आप ये देख सकते हो इसकी जो एरियल रूट है कैसे निकल रही है। एरियल रूट तभी निकलती है जब आपके हवा में नमी होती है, उसी से एरियल रूट निकलती है। एरियल रूट से जो है आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। आप देख सकते हो ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है, कितना सुंदर प्लांट है मॉन्स्टेरा का। ये देखो कितने इसके पत्तों की शेप देख सकते हो, ये भी मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा एडेंसोनी है ये, इसे स्विस चाइनीज भी बोला जाता है। कितना सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर पत्ते निकल रहे हैं इसमें। इसको मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है, नमी की, बारिश के कारण इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है आप देख सकते हो। अच्छी तरह से मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ हर तरफ से, ये देख सकते हो आप मॉन्स्टेरा भी देख सकते हो, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। और आप एग्लोनिमा का भी देख सकते हो, ये एग्लोनिमा जो टाइगर एग्लोनिमा है। और इधर फायर फ्लेम जो स्नेक प्लांट है, देखो बरसात का मौसम आ गया है तो इसकी ग्रोथ कैसे स्टार्ट हो गई है। सभी प्लांट्स है बारिश के कारण कितने अच्छे से चल रहे हैं आप देख सकते हो। और ये था 10 दिन पहले जो मेरा ये स्पाइडर प्लांट था, सूख सा गया था, आप देखो कितना बुशी हो रहा है, हैवी हो रहा है, ये देख सकते हो आप। नए नए पप्स निकल रहे हैं, रनर्स निकल रहे हैं, आप इससे भी नए नए प्लांट रेडी कर सकते हो। और एक चीज़ आपको मैं दिखलाता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो ये जो सिलेंड्राई स्नेक प्लांट है, इसमें से एक प्लांट में से कितने प्लांट निकल गए हैं, 1, 2, 3, 4 नीचे, चार एक प्लांट से चार प्लांट निकल गए हैं। दोस्तों, ये प्लांट है जो मैंने नर्सरी से मैंने 300 का लिया था, थोड़ा कॉस्टली प्लांट होता है ये, देख सकते हो आप। इधर भी ड्वार्फ है जो, और ये हिनानी है, ये देख सकते हो कितना बुशी हो रहा है। और एग्लोनिमा लपिस्टिका ये देख सकते हो, ये भी अच्छे से अब ग्रो होने लग गया है, ये देख सकते हो पत्ते की शेप देख सकते हो, लपिस्टिक एग्लोनिमा देख सकते हो आप। ये फर्म लगी हुई है, आप इसे भी देख सकते हो फर्म को कैसे नए नए नीचे से निकल रहे हैं। दोस्तों, इस टाइम क्या होता है, आपके गमलों में ऐसे जो घास होता है वो निकलने लग जाता है, आप इसे ज़रूर रिमूव कीजिए। अगर आप इसे रिमूव नहीं करोगे तो जो आपके प्लांट की मिट्टी में न्यूट्रिशन है, आपने खाद दी हुई है, वो ये घास पत्ती में लग जाएगी। ये क्रोटोन है, क्रोटोन देख सकते हो अभी कितना अच्छा हो रहा है,
कितना सुंदर कलर आ रहा है, रेडिश में ग्रीन। और ये इंसुलिन का प्लांट है, इसका लीफ का साइज देख सकते हो। इंसुलिन जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज होती है, इस प्लांट की पत्ती को यूज करें, सुखाकर या चाय में डालकर उबालकर उसका पानी पीजिए तो उसकी शुगर ठीक हो जाती है, जो इंसुलिन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको आउटडोर की प्लांट दिखाता हूँ। नेक्स्ट इधर है दोस्तों अडेनियम। अडेनियम बारिश के बीच ही पड़ा था तो इसका आप देख सकते हो अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये देख सकते हो ग्रीन यूनिफर, बोगनवेलिया। बोगनवेलिया को कम पानी हो चाहिए, लेकिन बारिश का पानी में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है जब बारिश होती है। देख सकते हो आप सभी प्लांट, ये हिबिस्कस देख सकते हो, हिबिस्कस की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई नई कलियाँ आने लग गई है। एक मैंने बेल पत्थर का प्लांट लगाया हुआ है, बेल पत्थर के प्लांट का आप पत्ता देख सकते हो, एक पत्ता कितना बड़ा है, पत्ता मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता है, ये देख सकते हो आप। इधर भी मेरा हिबिस्कस है, इसको अच्छी ग्रोथ हो रही है। जेड प्लांट का देख सकते हो आप, जो इसका ये हिबिस्कस है एक मेरा, ये भी देख सकते हो आप कितना अच्छे से चल रहे हैं प्लांट। सभी प्लांट्स की ग्रोथ रिस्टार्ट हो गई है। शमी का प्लांट देख सकते हो दोस्तों, घर में लगाना बहुत शुभ होता है। और ये प्लांट मेरा थोड़े हवा के कारण, भारी होने के कारण इस तरफ को गिर गया है। ये है जो नागचंपा का प्लांट है, देख सकते हो आप। इस तरफ चीकू के प्लांट है। सभी प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है अच्छे से। ये देख सकते हो अक्सोरा का प्लांट है, नए नए पत्तों की आप ग्रोथ देख सकते हो। पहले इसकी ग्रोथ 2-4 महीने बंद ही हो गई थी, होती नहीं थी ग्रोथ, अभी बारिश के कारण इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। और आप गुलाब भी देख सकते हो, गुलाब की ग्रोथ को भी चेक कर सकते हो, गुलाब की ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही है। दोस्तों अगर इस तरफ बात करूं रेन लिली, ये देख सकते हो मैंने एक पॉलीथीन में लगाया हुआ है रेन लिली। इसके फ्लावर देख सकते हो बारिश के कारण कितने अच्छे फ्लावर निकल रहे हैं इसमें। ये रेन में ही होते हैं रेन लिली, जब आपके बारिश होती है। और इस तरफ कोलियस देख सकते हो, पोनिनुलिना पाम, ये सभी प्लांट है जो बारिश के कारण अच्छे से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।